हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम उप्स कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि पीएचपी के अंदर उप्स कंसेप्ट क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। उप्स इज ए पैराडिज्म या मेथोलॉजी कह सकते हैं या तो स्टाइल कह सकते हैं दैट प्रोवाइड द मेनी कंसेप्ट ऑफ सच एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। यानी ये जो चार पिल्लर हैं उप्स के, ये उप्स कंसेप्ट को डिफाइन करते हैं कि उप्स के अंदर ये चार पिलर होना चाहिए। पहला है आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये चार उप्स के पिलर माना जाता है, यानी इसी पर टिका है उप्स कंसेप्ट। फर्स्ट प्रोग्राम उप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ तो सिमला इज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग उप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ तो जावा हो गया, सी शार्प हो गया, पीएचपी हो गया, पाइथन और सी प्लस प्लस, ये जो उप्स कंसेप्ट को सपोर्ट करते हैं। अब आते हैं सबसे पहले उप्स के अंदर क्लास पढ़ते हैं। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो क्लास इज ए नॉट ए रियल वर्ल्ड एंटिटी, यानी क्लास जो है रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है। इट इज जस्ट लाइक ए ब्लू प्रिंट, यह एक प्रकार का टेम्पलेट है। अब क्लास डज नॉट हैव ऑक्युपाई द मेमोरी, यानी क्लास जो है मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता है। क्लास हैव, यानी क्लास के पास क्या क्या होता है, तो प्रॉपर्टी होता है और दूसरा उसका बिहेवियर या मेथड होता है। फॉर एग्जांपल के लिए यदि मैं एनिमल्स को क्लास बनाता हूँ तो उसका जो प्रॉपर्टी होगा नेम होगा और बिहेवियर उसका क्लास कलर होगा। यानी उसका नाम क्या है वो आपका प्रॉपर्टी हो जाएगा और कलर हो उसकी मेथड कह सकते हैं या तो बिहेवियर कह सकते हैं। तो क्लास जो है मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता है, एक ब्लूप्रिंट होता है या टेम्पलेट कह सकते हैं। इसको एक्सप्लेन कौन करता है, तो ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हमारा क्लास कहलाता है। तो ये आइए स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी, यानी ऑब्जेक्ट क्लास जो था ना रियल वर्ल्ड एंटिटी, और ऑब्जेक्ट जो है इंस्टांस ऑफ क्लास, यानी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास। ऑब्जेक्ट इज ऑक्युपाई द मेमोरी, यानी मेमोरी के अंदर स्पेस लेता है, और जबकि क्लास जो है मेमोरी के अंदर स्पेस नहीं कर लेता है। और क्लास के पास प्रॉपर्टी होता है, मेथड होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के पास पहले आइडेंटिटी होता है, यानी उसका नाम, स्टेट यानी कलर, एज और बिहेवियर मीन्स एक्ट या रन, ये उसकी इसके अंदर होता है। एंड आइडेंटिटी, स्टेट, ये बिहेवियर, लेकिन क्लास के अंदर दो ही चीज़ था, प्रॉपर्टी और मेथड। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो इंस्टांस ऑफ क्लास, यानी क्लास का एग्जांपल है। क्लास जो है मेमोरी को ऑक्युपाई नहीं करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है मेमोरी ऑक्युपाई करता है। क्लास के पास प्रॉपर्टी और मेथड होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के पास आइडेंटिटी, स्टेट या एट्रीब्यूट कह सकते हैं, बिहेवियर या मेथड कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं नेम लेता हूँ किसी ऑब्जेक्ट का, उसका जो कलर होगा या एज होगा उसकी एट्रीब्यूट हो गया, स्टेट हो गया, और मेथड या बिहेवियर की बात करूँ तो एट होगा, रन हो, यानी कि यदि मैं क्लास को एनिमल्स बनाता हूँ तो उसका जो नेम होगा आइडेंटिटी हो जाएगा, स्टेट कलर हो जाएगा और मेथड जो है रन या एट। अब मेथड की बात करूँ तो मेथड क्या होता है, मेथड इज ए सेट ऑफ कोड विच परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क, यानी एक कोड का सेट होता है जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के एट ले लिया, मैं रन ले लिया, फ्लाई ले लिया, ये क्या है, मेथड है। इसका सिंटेक्स नॉर्मली जब मेथड बनाते हैं तो सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर आता है, रिटर्न टाइप होता है और फंक्शन का नेम होता है। उसके अंदर फंक्शन होता है, फंक्शन के लिस्ट ऑफ पैरामीटर, यानी उसकी पैरामीटर हो सकता है एक भी हो सकता है, दो हो सकता है या दो से अधिक पैरामीटर हो सकता है। यानी जब फंक्शन जब बनाते हैं, ये मेथड बनाते हैं, तो हमें फोर चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। पहला, उसका एक्सेस मॉडिफायर क्या होगा, रिटर्न टाइप का होगा, मेथड का नेम होगा क्या होगा, और उसमें कितने पैरामीटर होगा कि नहीं होगा, ये नॉर्मली जब मेथड बनाते तो। लेकिन पीएचपी की बात करूँ तो जब भी पीएचपी का मेथड बनाते हैं तो सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर होता है, एक्सेस मॉडिफायर यानी पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टिव। उसके बाद फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं,
इसके बाद तीसरे नंबर पर हम फंक्शन का नेम देते हैं कि उस फंक्शन का नाम क्या है, और फंक्शन के अंदर चौथा नंबर पर पैरामीटर पास करते हैं कि पैरामीटर है या नहीं है, है तो कितना है, वन है, टू है या मोर है। तो जनरली हम फंक्शन जब बनाते हैं पीएचपी के अंदर, तो सबसे पहले उसकी एक्सेस मॉडिफायर देते हैं, एक्सेसिबल देते हैं कि वो मेथड कहाँ कहाँ एक्सेस होगा। तो पहला होता है पब्लिक, दूसरा प्राइवेट और तीसरा होता है प्रोटेक्टेड। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि है क्या चीज़ एक्सेस मॉडिफायर, है क्या चीज़। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जब भी पीएचपी के अंदर फंक्शन बनाते हैं तो एक्सेस मॉडिफायर का नाम लेते हैं पहले नंबर पर, दूसरा फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं और तीसरा फंक्शन का नाम देते हैं। उसके बाद या तो उसके अंदर पैरामीटर पास करें या ना करें, ये रिक्वायरमेंट आप प्रोग्राम के अंदर होगा। यदि रिक्वायरमेंट पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगा तो उसका ले सकते हैं, नहीं तो नहीं भी ले सकते हैं। ये पीएचपी के अंदर फंक्शन बनाने का सिंटेक्स है कि पीएचपी का ऐसे बनेगा। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यदि मैं एनिमल्स, बर्ड्स और व्हीकल को क्लास मानता हूँ तो उसके ऑब्जेक्ट क्या क्या होगा। अब एनिमल्स का ऑब्जेक्ट क्या होगा, डॉग, क्योंकि एनिमल जो है मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, लेकिन कैट और डॉग स्पेस जरूर पड़ेगा। उसी तरह से बर्ड की बात करूँ तो स्पैरो और पीकॉक जो इसके ऑब्जेक्ट है, व्हीकल की बात करूँ तो कार और जीप इसका ऑब्जेक्ट है। अब इसके बिहेवियर की बात करूँ या मेथड की बात करूँ तो एक डॉग या कैट को क्या चाहिए, ऐड करना चाहिए यानी खाते हैं, दूसरा रन करते हैं, दोनों क्या करते हैं, तो ये इसके बिहेवियर हो गया या मेथड कह सकते हैं। अब बर्ड की बात करूँ, क्लास बर्ड की बात करूँ तो उसका जो ऑब्जेक्ट था स्पैरो हो सकता है और पीकॉक। अब उसकी मेथड की बात करूँ तो इस बर्ड सबसे पहले फ्लाई करते हैं यानी उड़ते हैं, दूसरा ऐड करते हैं यानी उनको भोजन चाहिए। तो ये इसके एग्जांपल हुआ। और व्हीकल की बात करूँ तो व्हीकल क्लास में लिया तो उसके जो ऑब्जेक्ट होगा कार होगा या जीप होगा। अब इसके जो मेथड होगा या बिहेवियर होगा स्पीड, यानी वो कार जो है कितने स्पीड का, इस कितने स्पीड होगा उसका, कार हुआ ले लो या जीप ले लो तो इसका स्पीड कितना होगा। ये रहा कुछ क्लास और ऑब्जेक्ट के एग्जांपल और उससे रिलेटेड फंक्शन क्या क्या हो सकता है। तो आगे हम इस एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे होगा। तो क्लास बनाते हैं, क्लास के बाद एनिमल्स को मैं क्लास बना दिया और एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन का नाम इट, और उसमें मैं पास कर देते मैसेज पास करते आई एम ईटिंग। और उसके बाद हम दूसरा जो फंक्शन बनाते रन, यानी आई एम रनिंग। अब इसको जैसे मैं कंपाइल रन कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमारा आउटपुट मैसेज शो करता है। अब आते हैं एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर जो मैं फंक्शन डिस्कस कर रहा था तो सबसे पहला नंबर था एक्सेस मॉडिफायर। ये वेरिएबल फंक्शन के नेम को या उसके वेरिएबल को एक्सेसिबल करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो पहला होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्राइवेट और तीसरा होता है प्रोटेक्टेड। पब्लिक मतलब जिस फंक्शन की मेमोर को पब्लिक बना देते हैं तो उसके मेमोर को किसी भी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लास मेमोर दिस एक्सेस द मॉडिफाई विल बी द पब्लिकली एक्सेसिबल फ्रॉम द एनीवेयर, यानी जिस फंक्शन का जिस मेथड को कि मेम्बर को यदि मैं पब्लिक बना देता हूँ तो किसी भी फंक्शन के में कॉल कर सकते हैं उसको कहीं भी। लेकिन जब प्राइवेट बना देता हूँ किसी फंक्शन के मेम्बर को या फंक्शन को, यदि मैं प्राइवेट बना दिया उसके मेम्बर को यदि दूसरे क्लास में एक्सेस करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएँ क्योंकि प्राइवेट लगा दिया। ये तीन जो है एक्सेस मॉडिफायर पी एच पी के अंदर सपोर्ट करता है। पहला होता है पब्लिक, दूसरा प्राइवेट और तीसरा होता है प्रोटेक्टेड। पब्लिक मतलब जिस फंक्शन के मेम्बर को पब्लिक बना देते हैं तो किसी और फंक्शन में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसी फंक्शन के मेम्बर को यदि मैं प्राइवेट कर देता हूँ तो दूसरे फंक्शन में या दूसरे क्लास के अंदर वह एक्सेस नहीं हो पाएगा। होता है इट इज़ द प्रोटेक्ट द मेम्बर फ्रॉम द आउटसाइड, यानी उसके मेम्बर को किसी दूसरे क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रोटेक्टेड की बात करूँ तो प्रोटेक्टेड क्या कहता है कि उसके जो मेम्बर होगा उसके सब क्लास, जिस क्लास के अंदर फंक्शन के मेम्बर को हम प्रोटेक्टेड बनाते हैं
उसके मेम्बर को उस क्लास के सब क्लास के अंदर एक्सेस हो जाएगा, बाकी वह दूसरे क्लास में एक्सेस नहीं होगा, लेकिन वह उसी का सब क्लास होगा तो उसमें उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये रहा तीन एक्सेस मॉडिफायर, जो पहला नंबर था पब्लिक, दूसरा नंबर था प्राइवेट और तीसरा नंबर था प्रोटेक्टेड। इससे क्या होगा कि हम किसी क्लास के मेंबर फंक्शन को हम एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये परमिशन अलाउ करता है कि हमें क्या करना है। अभी एग्जांपल के थ्रू मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। पहले एक्सेस मॉडिफायर पहले पब्लिक लेता हूँ। पब्लिक जिस क्लास के मेंबर को यदि पब्लिक बनाते हैं तो उसको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। अब पहला हमारा पब्लिक है और स्टार्ट करते हैं एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक। अब इसके अंदर हम एक क्लास छोटा सा क्लास लेते हैं और उस क्लास का नाम एनिमल्स देते हैं। एनिमल से ही हम स्टार्ट करते हैं कि क्लास का नाम एनिमल्स है और इसके अंदर कुछ फंक्शन हम बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे और उसको एक्सेस करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैंने विल्ड एनिमल्स के बारे में जो क्लास में ले रहा हूँ विल्ड एनिमल्स, और उसको अंदर हम मैसेज पास कर रहे हैं, यानी उसके जो मेंबर वेरिएबल ले रहा हूँ उसको मैं पब्लिक बना दे रहा हूँ। तो पहला और उसके अंदर मैं फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन का नाम है रन, यानी जो एनिमल विल्ड एनिमल्स है उसका जो मेंबर में बनाया वेरिएबल बनाया वो नेम था, और फंक्शन में रन नाम का फंक्शन बनाता हूँ और उस जो नेम को मैं प्रिंट करा देता हूँ। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन मैं बनाया हूँ पेट एनिमल्स, और उसको एक्सटेंड करा दिया हूँ विल्ड एनिमल्स, यानी दो क्लास बनाया और एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास में एक्सेस कराने के लिए हमने एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। इसके अंदर भी हमने एक नेम नाम का वेरिएबल लिया, उसमें डाल दिया काउ और पहले वाले में टाइगर डाल दिया। फंक्शन पहले वाले में रन लिया था रन फास्ट, और जो दूसरे क्लास का जो फंक्शन है स्लो फास्ट, यानी टाइगर जो है बहुत तेज दौड़ता है और जो काउ जो है स्लो दौड़ती है। उसके अंदर हम नेम को पास कर दिया, इको कीवर्ड यूज करके हम नेम को पास कर दिया, और नीचे भी दूसरे क्लास में भी हमने नेम को पास कर दिया। तो पहले वाले क्लास का नेम था टाइगर और दूसरे में काउ ले लिया। अब पहले वाले क्लास को दूसरे क्लास में इनहेरिट करा दिया और इसको ऑब्जेक्ट बना करके हमें कॉल करता हूँ तो हमारा पूरा आउटपुट देख लिया, यानी पहले क्लास के मेंबर को हम दूसरे क्लास में एक्सेस कर सकते हैं जब उसको पब्लिक बनाते हैं। तो मेन मकसद है कि एक क्लास की मेंबर को दूसरे क्लास में कैसे एक्सेस करें, उसके लिए हमें उसके फंक्शन के मेंबर या क्लास के मेंबर को पब्लिक बनाना पड़ेगा। अब उसी एग्जांपलों को हम प्राइवेट बनाते हैं, जहां हमने पब्लिक यूज किया था उसी को प्राइवेट करके देखते हैं क्या एक क्लास के मेंबर को या एक क्लास के फंक्शन को दूसरे क्लास में एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल वही है, जहां हम मैंने पब्लिक लिया हूं वहां पर प्राइवेट ले लेता हूं। सेम प्रोसेस वही एग्जांपल है, और ऑब्जेक्ट इसमें हमने पीटी बना दिया, पीटी मतलब पेट एनिमल्स का, और दूसरा जो है उसके फंक्शन को कॉल कर दिया, और उसी फंक्शन उसी ऑब्जेक्ट से हम दूसरे क्लास के मेंबर को, अब देखो जैसे ही इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमारा आउटपुट नहीं आएगा, रन होगा, यानी जो रन कराते हैं तो आउटपुट हमारा एरर बताता है, यानी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि हमने जो क्लास के जो मेंबर था उसको हमने प्राइवेट कर दिया। अब दूसरे क्लास को इनहेरिट करा दिया, पहले क्लास को इनहेरिट करा दिया इस दूसरे क्लास के अंदर, तो उसके मेंबर को भी हमें प्राइवेट बना दिया और उसके फंक्शन को भी मैं प्राइवेट बना दिया, और उसी क्लास को दूसरे क्लास में यदि एक्सेस करते तो एक्सेस नहीं होगा क्योंकि मैं उसको प्राइवेट बना दिया हूँ। तो जब भी मैं बोला था कि यदि मैं किसी क्लास के मेंबर को या फंक्शन को प्राइवेट बना देते हैं तो दूसरी क्लास में उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ पब्लिक बना देते हैं तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरे नंबर की बात करूँ प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्टिव बारे में देख लेता हूँ। अब इसका मैं ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट किया था, क्लास विल एनिमल्स था और दूसरा जो है पेट एनिमल्स था, इसकी क्लास के मेंबर और फंक्शन को हम
दूसरे क्लास के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो एक्सेस नहीं होगा क्योंकि मैं उसको प्राइवेट बना दिया हूँ। अब पहले क्लास को यदि एक्सेस करना हो तो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर हम कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने नीचे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट लेता हूँ डब्ल्यू ए और उसका न्यू, उसी से उसके फंक्शन को कॉल करता हूँ, इससे कॉल हो जाएगा। यानी प्राइवेट की क्लास को खुद के मेंबर को कॉल करना हो तो उसका ऑब्जेक्ट बनाकर हम कॉल कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ दूसरे क्लास में यदि एक्सेस कर रहा हूँ, दूसरे क्लास के थ्रू एक्सेस कराता हूँ तो वो एक्सेस नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ भी एक्सेस नहीं हो रहा है क्योंकि वो प्राइवेट और प्राइवेट था तो उसके क्लास को ऑब्जेक्ट बनाकर यदि एक्सेस करेंगे तो भी नहीं होगा। दूसरे क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाकर करेंगे तो भी नहीं होगा क्योंकि वो उसके मेंबर और फंक्शन हम क्या दिए हैं तो प्राइवेट दिए हैं। प्राइवेट लगाने से ही किसी क्लास के मेंबर को या फंक्शन को दूसरा क्लास एक्सेस नहीं कर सकता है, इसके लिए हमें पब्लिक लगाना पड़ेगा तब जाके उसके फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। तीसरा जो एक्सेस मॉडिफायर के बाद डिस्कस किया तो उसका नाम है प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव मतलब जिस क्लास के मेंबर या फंक्शन को कॉल करना हो तो यदि उसके सब क्लास के थ्रू उसको एक्सेस कराएंगे तो एक्सेस हो जाएगा, लेकिन उसका दूसरा क्लास हो तो अदर क्लास हो जो इसको एक्सटेंड नहीं करते हैं तो वहाँ पर वो कॉल नहीं होगा। तो मैंने वही सेम क्लास लिया हूँ और सेम मेंबर सेम फंक्शन लिया हूँ और इसको हमने प्रोटेक्टेड बना दिया। तो प्रोटेक्टेड में बोला था कि यदि सुपर क्लास है उसके जो मेंबर हैं फंक्शन है प्रोटेक्टेड है तो उसके सब क्लास के थ्रू उसको हम कॉल कर सकते हैं। यदि दूसरा क्लास होता यदि एक्सटेंड नहीं कराते उसको हम कॉल नहीं कर सकते हैं। तो प्राइवेट प्रोटेक्टेड का मतलब अपने सब क्लास के थ्रू एक्सेस उसके मेंबर और फंक्शन एक्सेस हो जाएगा, लेकिन यदि मैं वहाँ पर प्राइवेट लगा देता हूँ तो एक्सेस नहीं होगा। इस तरह से अब तीनों जो एक्सेस मॉडिफायर था हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर इज ए मेथड सेम एज द क्लास है, यानी जो क्लास का नाम है उसी नाम से मेथड भी रहता है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। लेकिन ये तो जनरल जितने भी जावा हुआ या सी शार्प हुआ सी प्लस प्लस हुआ उसमें ऐसा यूज होता था कि जो क्लास का नाम हुआ उसी नाम से मेथड का नाम बना देते हैं तो वो हमारा कंस्ट्रक्टर बन जाता है। और इसका यूज की बात करूँ तो ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए काम आता है। तो कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल इन द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के अंदर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। यूज इनिशियलाइज द वैल्यू इन द ऑब्जेक्ट, यानी इसका यूज जो है ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन करने के लिए काम आता है। लेकिन पीएचपी की बात करूँ तो पीएचपी में जब भी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो कंस्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं और उससे पहले डबल अंडरस्कोर का यूज करते हैं। यानी कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमें डबल अंडरस्कोर का और कंस्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं पीएचपी के अंदर कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए। इसकी टाइप भी होता है, टाइप पहला होता है बाय डिफॉल्ट यानी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं रहेगा, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर मतलब उसके अंदर कोई पैरामीटर होगा ही आर्गुमेंट होगा। तो इसको एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और उसको पीएचपी के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैं बताया था कि जब भी पीएचपी के अंदर हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज़ करते हैं और उसके साथ साथ डबल अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं, तब जाके कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है। बाकी लैंग्वेज की बात करूँ सी प्लस प्लस या जावा या सी शार्प में तो जो क्लास होता है उसी के नाम से कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, लेकिन पीएचपी के कंस्ट्रक्ट कीवर्ड के थ्रू कॉल होता है। यानी कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमें कंस्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। तो पहला इसमें देखता हूँ बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब उसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं होगा। अब स्टार्ट करते हैं पीएचपी का कोडिंग। तो एंगल ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन मार्क पीएचपी और इसमें मैं कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, यानी पहले सबसे पहले मैं एक क्लास लेता हूँ और उस
क्लास फ्रूट्स नामों का मैंने क्लास लिया और उसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ। फिर कंस्ट्रक्टर को यूज़ कैसे किया जाता है, कॉल कैसे किया जाता है तो मैं आगे देखता हूँ। पब्लिक और फंक्शन, और फंक्शन का नाम मैं देता हूँ, फंक्शन ही को मैं उसी क्लास के नाम देता हूँ जो मैंने क्लास बनाया हूँ। तो क्लास में बनाया था फ्रूट्स, और जो फंक्शन भी बना रहा हूँ फ्रूट्स नाम का फंक्शन बना रहा हूँ। तो पीएचपी के अंदर पहले एक्सेस मॉडिफायर लगाते हैं, यानी पब्लिक और फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं, उसके बाद फंक्शन का नाम देते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का डिफिनेशन बताया था कि जो कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है सेम एज द क्लास नेम, यानी जो क्लास का नेम होता है उसी नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया जाता है। तो मैं सेम टू सेम डिफिनेशन के अनुसार मैं एक फ्रूट्स नाम का क्लास बनाया, उसी नाम का हमने एक फंक्शन को क्रिएट किया और जो पब्लिक फंक्शन और फ्रूट्स नाम का फंक्शन बना दिया। उसके अंदर मैं एक मैसेज पास करता हूँ कि दिस इज़ द यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। सेकेंड जो प्री डिफाइंड फंक्शन होता है उसका नाम है कंस्ट्रक्ट, और कंस्ट्रक्ट बनाने के लिए हमें डबल अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं। तो सेकेंड जो है प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमें पब्लिक फंक्शन और डबल अंडरस्कोर के साथ साथ कंस्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए। अब इसके अंदर भी मैंने एक मैसेज पास कर देता हूँ, दिस इज़ द प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। पहला जो था यूजर डिफाइन, यानी हमने उसको डिफाइन किया, और ये जो है कंस्ट्रक्ट कीवर्ड लगने से यह प्री डिफाइंड बन जाता है। तो इसके अंदर भी हमने एक मैसेज पास कर दिया, दिस इज़ द प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, और इन इसका ऑब्जेक्ट बनाकर हमने कॉल करके देखता हूँ क्या यह कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अंदर कंस्ट्रक्ट कीवर्ड लगाया हूँ, पहले वाले में कंस्ट्रक्ट कीवर्ड नहीं लगाया हूँ क्योंकि वो यूजर डिफाइन है और यह हमारा प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है। और इसके अंदर एक और मैसेज पास करता हूँ, लाइन ब्रेक करने के लिए बीआर का यूज़ करते हैं, बीआर टैग का यूज़ करते हैं। अब हमारा कोडिंग कंप्लीट होगा। अब इस फ्रूट्स नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस क्लास से इन दोनों मेथड को कॉल करके देखते हैं कि कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारा जो क्लास था फ्रूट्स था, और उसी नाम से हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया था। अब इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। तो पहला जो था यूजर डिफाइंड फंक्शन, और दूसरा था प्री डिफाइंड फंक्शन। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का, क्लास एफ, यानी फ्रूट्स नाम का क्लास लिया हो तो डॉलर एफ और न्यू फ्रूट्स, और इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, एफ नाम का ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। अब इसी एफ नाम के ऑब्जेक्ट से इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं। अब देखते हैं इसमें हमने केवल यूजर डिफाइन को मैं कॉल किया हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है प्रोग्राम के अंदर। तो जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो दोनों मैसेज प्रिंट होगा, फ्रूट्स फंक्शन का और कंस्ट्रक्ट जो कीवर्ड बनाया हूँ उसका भी मैसेज प्रिंट होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। और हम फंक्शन एक बनाया हो, ऑब्जेक्ट ए बनाया हो, और उस ऑब्जेक्ट से एक ही फंक्शन को हम कॉल करा रहा हूँ, फ्रूट्स नाम के फंक्शन को, लेकिन जो कंस्ट्रक्ट कीवर्ड के थ्रू जो फंक्शन बनाया हो इसका जो मैसेज ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो जैसे ही इसको हम सेव करके एग्जीक्यूट कराते हैं तो दोनों मैसेज हमें प्राप्त हो गया, यानी हमने केवल यूजर डिफाइन के फंक्शन को मैं कॉल कराया हूँ, जो कंस्ट्रक्ट कीवर्ड के नाम से जो फंक्शन बनाया हूँ उसको मैं कॉल नहीं किया हूँ, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है। तो यही फ़ायदा होता है कि कंस्ट्रक्टर बनाने से, कि उसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ता है, प्रोग्रामिंग के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है। अब नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर की बात करूँ तो नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यानी उसके अंदर पैरामीटर पास करके हम यूज करके देखते हैं कि कैसे पैरामीटर पास करते हैं और कैसे उसको यूज प्रोग्राम के अंदर करते हैं। तो क्लास में वही लेता हूँ फ्रूट्स नाम की क्लास, उसी को रहने देता हूँ और उसी में थोड़ा इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ। तो क्लास में ले लिया, उसका वेरिएबल मैं ले लिया, पहला नेम ले लिया और दूसरा मैं कलर ले लेता हूँ। तो इस क्लास का जो वेरिएबल है उसको हमने पहला नेम ले लिया, दूसरा कलर ले लिया। अब यही कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं पास करता हूँ,
अब यहाँ यूजर डिफाइंड जो कंस्ट्रक्टर था उसको मैंने हटा दिया और जो कंस्ट्रक्ट कीवर्ड के नाम से जो बनाया हूँ उसके अंदर मैंने दो पैरामीटर पास कर दिया, पहला जो डॉलर एन और दूसरा डॉलर सी। अब इसको यूज करने के लिए हमें क्या करता है, जो क्लास के अंदर मेम्बर बनाया हूँ उसको उसके अंदर हम इस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर को पास करा देते हैं, यानी डॉलर दिस और एरो नेम के अंदर हम डॉलर एन डाल देते हैं और दिस डॉट कलर के अंदर डॉलर सी को पास करा देते हैं, असाइन कर देते हैं। इस तरह से हमारा पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हो गया। अब इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं और इसको हमें पास करा देते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसको यहाँ पर पास कराते हैं। अब जैसे ही हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी डॉलर एफ बनाया और क्लास हमारा फ्रूट्स था और उसके अंदर हम वैल्यू को पास कराते हैं जहाँ हमने क्लास ऑब्जेक्ट बनाया है। एक छोटा सा फंक्शन, एक दूसरा फंक्शन हम बनाते हैं उसके अंदर हम गेट नेम और सेट नेम, यानी इस मेम्बर को एक्सेस करने के लिए हम गेट नेम और सेट नेम फंक्शन बनाना पड़ता है इसके मेम्बर को पास कराने के लिए, कॉल कराने के लिए। तो पहले हमने गेट नेम ले लिया और रिटर्न करा दिया नेम को। अब यहाँ पर मैंने पास कर दिया दिस और उस मेम्बर का नाम पास करा दिया। दूसरा जो फंक्शन है, ये तो जो नेम को पास कराने के लिए हम गेट नेम लिया, अब दूसरा फंक्शन बनाता हूँ गेट कलर को पास करने के लिए, गेट कलर नाम से फंक्शन बनाते हैं। यानी जो कंस्ट्रक्टर का नेम है जो असाइन किया है उसको एक्सेस करने के लिए हमें दो फंक्शन बनाया, पहला जो गेट नेम यानी नेम को एक्सेस करने के लिए और दूसरा जो कलर को एक्सेस करने के लिए। तो फंक्शन गेट नेम और फंक्शन गेट कलर उसी के अंदर मैं रिटर्न करा दिया दिस एरो के साथ नेम और दिस एरो का यूज़ करके हम कलर असाइन कर दिया। अब जब भी हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके अंदर हम वैल्यू को पास कर देते हैं, यानी दो पैरामीटर लिया था, पहला डॉलर एन और दूसरा डॉलर सी, यानी एम फॉर नेम और सी फॉर कलर। तो फ्रूट्स में सबसे पहले मैं एप्पल को लेता हूँ, ये नेम में एप्पल और कलर में एप्पल का कलर होता है रेड, इसने जो कलर मैंने दे दिया रेड दे दिया। ये पैरामीटर हमने इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ये फंक्शन के अंदर कॉल कराते हैं, तो इसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और ये प्रिंट करा देते हैं मैसेज, यानी आउटपुट प्रिंट करा देते हैं ताकि डिस्प्ले हो, जब भी एक्सक्यूट हो तो वहाँ पर हमें आउटपुट डिस्प्ले हो। तो यहाँ पर हमने इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराया क्योंकि वैल्यू में ऑब्जेक्ट बनाते टाइम पास कराया है, तो इको लगाया, फिर डॉलर एफ एरो साइन लगाया और गॉट गेट नेम और दूसरा जो पास किया हमने गेट कलर। तो दो आउटपुट हमें पास कराने के लिए हमें यूज किया, पहला जो है गेट नेम और दूसरा गेट कलर। जैसे ही इसको एक्सक्यूट कराते हैं तो तुरंत हमें आउटपुट आ जाता है एप्पल और रेड, यानी एप्पल उसका नेम है और रेड जो है कलर हो गया। इस तरह से हम पास करा देते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम जिसे कहते हैं डिस्ट्रक्टर, जिसे कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट को रिलीज करने के लिए, उसी तरह से डिस्ट्रक्ट का यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी ऑब्जेक्ट को यानी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं, उसी तरह से डिस्ट्रक्टर जो है ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है, कि जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा टाइम तक यूज में नहीं हो उसको ये डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली हटा देगा, यानी उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब जैसे कंस्ट्रक्टर को बनाया था डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट कीवर्ड के थ्रू, उसी तरह से डिस्ट्रक्टर को बनाने के लिए हमें डबल अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सेम टू सेम इसका डिफिनेशन वही है, जो फंक्शन का नेम होता है, जो क्लास का नेम होता है उसी नाम से डिस्ट्रक्टर का नेम होता है। तो सेम मैंने इस पर कंस्ट्रक्टर बनाया और उसी नाम फिर एक दूसरा फंक्शन जो बनाया है डिस्ट्रक्ट कीवर्ड, यानी ये क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट ज़्यादातर यूज में ना हो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो दूसरा फंक्शन जो बनाया हूँ डिस्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ किया हूँ
डबल अंडरस्कोर और उसके अंदर एक मैसेज पास करता हूँ, जो फ्रूट्स, और फ्रूट्स के अंदर हमने फ्रूट्स का नेम यानी नेम पास करने के लिए हमें डॉलर दिस एरो और नेम पास कर दिया। दूसरा जो है उसके कलर को पास करने के लिए हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर दिस एरो और इसके बाद कलर को हमने पास कर दिया। तो इस तरह से ये डिस्ट्रक्टर क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट को रिलीज करता है यानी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। बार बार मैं बता रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर जो है ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए काम करता है, तो ये डिस्ट्रक्टर उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काम आता है। तो इसके अंदर छोटा सा मैसेज पास कर दिया ऑब्जेक्ट के नेम और उसके कलर को। अब जैसे ही इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको कॉल कराते हैं, तो बाकी जितने भी अनयूज ऑब्जेक्टेड है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और जो करंट होता है उसी को प्रिंट करके दिखाता है। तो इसका कोडिंग कंप्लीट हो गया। तो इसका भी ऑब्जेक्ट वही सेम बनाया मैं, डॉलर एफ बनाया और न्यू फ्रूट्स और उसके अंदर एप्पल पास कर दिया और रेड पास कर दिया। हाँ, ये कंस्ट्रक्टर जैसे ऑटोमेटिकली कॉल होता है, उसी तरह से डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली प्रोग्राम के अंदर कॉल होता है। अब जैसे ही इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं तो देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है। और इसको मैं, अब देखो फ्रूट्स नेम हमारा एप्पल हो गया और उसका कलर रेड हो गया, यानी ये भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। इस तरह से कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों का इम्प्लीमेंट कंप्लीट हो गया। इस तरह से थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।